इस साल पुरी में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा 2 दिन चलेगी। जगन्नाथ मंदिर का पंचांग बनाने वाले ज्योतिषी का कहना है कि इस साल आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में तिथियां घट गईं, जिसके चलते रथ यात्रा से पहले होने वाली पूजा परंपराएं 7 जुलाई की शाम तक चलेंगी। रथ यात्रा की तिथि में बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए सुबह शुरू होने वाली रथ यात्रा शाम को शुरू होगी। इससे पहले 1971 में भी ऐसा ही हुआ था। 7 जुलाई को दिन भर पूजा परंपराएं चलेंगी और शाम को 4 बजे के आसपास रथ यात्रा शुरू होने की संभावना है। सूर्यास्त के बाद रथ नहीं हाके जाते हैं, इसलिए रथ रास्ते में ही रोक दिए जाएंगे। 8 को सुबह जल्दी रथ चलना शुरू होंगे और इसी दिन गुंडीचा मंदिर पहुंच जाएंगे। 2 दिन रथ यात्रा होने के कारण उड़ीसा सरकार ने भी 2 दिनों के लिए सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। मंगलवार को पुरी में आयोजित की गई समीक्षा बैठक में सीएम मोहन चरण मांझी ने 7 और 8 जुलाई को सरकारी दफ्तर, स्कूल कॉलेज बंद करने की घोषणा की। महाप्रभु जगन्नाथ जी की जो श्री गुंडीचा रथ यात्रा अगला 7 तारीख को होने जा रहा है और उनका तैयारी लास्ट स्टेज पर आ गया। आज उसके लिए मुख्यमंत्री स्तर पर समीक्षा बैठक आज हुआ हमारा पुरी में। बैठक में जो सारी डिपार्टमेंट का और साथ साथ श्री मंदिर का जो सेवायत लोग जो भी दायित्व में काम कर रहे हैं, सबके साथ एक आलोचना हुआ और सफल पूर्वक विरल रथ यात्रा, अद्भुतपूर्व रथ यात्रा कैसे समापन होगा एक दिन में, उसके लिए सारी प्रस्तुति के लिए इसमें बहुत अच्छा बैठक रहा। निश्चित रूप से विरल रथ यात्रा को कैसे समापन किया जाए, इसके लिए सबको मैंने निवेदन किया, अपील भी किया और सबके साथ अपील करते हुए और रथ यात्रा सफल पूर्वक होने के लिए सबका साथ आशीर्वाद भी मिला और सहयोग भी मिला। निश्चित रूप से रथ यात्रा सफल ही होगा। 8 तारीख वो जो विरल रथ यात्रा के बारे में इसलिए हमने बोले कि रथ यात्रा एक दिन में खत्म ना नहीं होगा और 2 दिन लगेगा। वो जो नीति कांति जो विधि व्यवस्था है, इसमें से एक दिन में जैसे नवजौवन दर्शन उत्सव, उनके साथ साथ नेत्र उत्सव और श्रीगुंडीचा रथ यात्रा, और तीनों में एक दिन में 53 साल के बाद वो उत्सव रथ यात्रा ऐसे एक संयोग आया, इसलिए 2 दिन का उनका जरूरत पड़ रहा है। इसलिए 2 दिन होगा, 2 दिन के लिए भी हमने छुट्टी भी घोषणा कर दी और निश्चित रूप से कैसे भी हो वो उत्सव सफलतापूर्वक हो जाए, इसलिए वो सारी व्यवस्था इंतजाम भी हो गया और सफल ही होगा। राष्ट्रपति